हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब जो है वक्त है हमारी डक और हमारे सारे पेट्स को देखने का। तो हमारी डक्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है। मैंने इनको जो है ये केज के अंदर बंद किया था रात के अंदर। और जो है मौसम भी आज जो है काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो रहा है। सुहाना तो हमारे लिए होता है, बट इन लोगों के लिए तो ये नुकसानदायक होता है। और हमारे जो पिजन्स वगैरह हैं वो भी सब बहुत ही बढ़िया है। अब अंदर जाते हैं, चलते हैं और इन लोगों का भी हालचाल देख लेते हैं कि ये कैसे है क्या है। और पहले तो हम लोग जो है हमारी डक को जो है रिलीज़ कर देते हैं। डरती बहुत है यार, डरती बहुत है। लो भाई आ जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। अरे आ जा भाई, आ जा। देखिए सब धीरे 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 करके जो है ना सभी निकलेंगे, तो वापस चले गई। तो ये लोग ना ज़्यादातर ग्रुप में रहना ही पसंद करते हैं। तो चलिए इनको जो है इनके हिसाब से रहने देते हैं, बाहर निकल जाएंगे थोड़े टाइम में। तो अपन जब तक के अपने पिजन्स के अपडेट देख लेते हैं। हमारे जो ये रेड वाले फेंटल है ना, इनके नीचे मैंने ना एग रख दिए हैं। अभी जो हमारे अब कबूतर आए थे ना, उनके अंदर से जो एग रह गए थे, तो वो जो है हमने इनके नीचे कर दिया। क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बैठ भी रहे थे, तो मुझे लगा कि इनको एक की ज़रूरत है। तो मैंने इनके जो अपने केज में से जो आज आज मॉर्निंग के अंदर माल आया है, उसके अंदर से जो एग बचे थे मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो होपफुली कि ये फर्टाइल कर लें, और अगर इसमें से एक भी बेबी मिल जाता है तो अच्छा यार। हमारे पास अभी तक के एक भी जो है बेबी या एक भी एग नहीं मिला है। तो ये अच्छी बात है कि हमें जो है हमारे नए पिजन से एक एक तो मिल ही गया है। अब चलिए इन सबको जो है मैं दाना वाना सब कुछ कर लेता हूँ। हमारे नए पिजन जो है ना, ये देखिए हमने जो है इनको एक पिंजरे में इधर कर दिया है, एक में इधर कर दिया है, और थोड़े से जो है इसमें से बाहर भी छूट गए। तो देखिए आप इसके अंदर से इसे घूम रहे हैं ना, तो ये सब जो है अभी बाहर हो चुके हैं। तो अब जो है मैं इनको अभी 2 से 3 दिन तक ये सोच रहा हूँ कि यहीं फीड दूंगा। मैंने एक केज और बाहर से लेकर आ गया हूँ ताकि इन लोगों को थोड़ा सा और फ्री कर दूँ। आज इसमें से जो है 3 से 4 मैं पिजन्स को लेके और इधर उधर शिफ्ट कर दूंगा, ताकि इन लोगों में भी जो कंजेस्टेड एरिया हो रहा है ना, तो वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। बट फुल हेल्दी पिजन्स हैं माशाल्लाह, और सब बहुत ही बढ़िया हैं, और सब ब्रीडिंग पेयर्स हैं। तो आप देखेंगे सारे खूबसूरत हैं। मैं आपको जो है इनको अपडेट यहाँ से निकाल के फिर दूंगा, जब इसको केज में शिफ्ट करूँगा ना, फिर आपको एक एक करके सारे पिजन्स दिखाऊँगा। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है सारे के सारे कबूतर। और ये जो है ना हमारे भाई, ये भाई ये थोड़े से बीमार चल रहे हैं, लेकिन घूमते फिरते हैं, बट एक जगह पर आके ऐसे बैठ जाते हैं कि भाई ये तो हो गए। जो हमारी बेला थी वो भी जो है बेबीज दे रही है। अभी तो माशाल्लाह 2 आ चुके हैं हमारे पास, और अभी जो है वो है तो अब 2 तो वाइट कलर के अंदर आए हैं। बाकी वो बड़े वाले तो हमारी बेला रंजन के तो अच्छे बड़े हो गए, लेकिन अभी नहीं, एकदम से न्यूज़ में बस शॉप से आया और मुझे देखने को मिला कि भाई ये इसके जो दो हैं। मैंने फिर दोनों को साफ़ करा, इन्होंने यही मिट्टी के अंदर ही दे दिया यार। मैंने इसके लिए बॉक्स रखा था, ये सब रखा था, बट उसने मिट्टी के अंदर ही दे दिया। क्या कर सकते हैं हम इसको। जो है मैंने साफ़ सफाई करके ये बच्चों को तो अच्छे से रख दिया है, और वो जो नेक्स्ट भी आएंगे तो उनको भी जो साफ़ करके मैं तब कर दूँगा। देखिए जो है मैंने इन सबको दाना डाला, तो ये सब इतनी जल्दी जल्दी खाए, ये देखिए ये सब भी खा गए। और ये हमारे नए वाले जो पिजन्स हैं, इन लोगों ने भी भाई फटाफट से जो है इसको फिनिश कर लिया। तो मैंने जो है इन्हें पानी भी रख दिया था, अब जो है मैं इनके लिए पानी दूसरा चेंज करके रख दूँगा। और बाकी इनमें भी बहुत से लोगों में, बहुत से जो परिंदों में जो है पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं जो है उन सबको भी जो है अभी फटाफट से चेंज कर देता हूँ, ताकि जो है ये लोग अच्छे से पानी को पी लें। अभी जो है मौसम बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम आप कह सकते हैं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और ये जो हमारी जो ये है ना, ये भी इधर उधर उड़ने लग गई है। तो यहाँ से भी जो है इनके पास जो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिस वजह से जो है ना ये बीमार होने के इनके जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से मैं जो है अब इनको कोशिश ये करूँगा कि जितने भी केज है ना, सबके अंदर जो है इनको फिक्स कर दूँ, और एक एक के अंदर 3-3, 4-4 करूँ, ताकि जो है ये इनकी एक दूसरे की हीट इनके अंदर लगते रहे। ठीक है, तो अब मैं जो है इन सबको अभी ये खाना वाना खा लें, सब पानी वानी पी लें, उसके बाद जो है मैं इन्हें इसके अंदर जो है 2-2, 3-3, 4-4 के रेट में अंदर कर दूंगा। और जो है हमारे जो पिजन्स ये जो थे, ये अमृतसर के अंदर डिलीवरी करवानी है आज, तो जो है इनको जो है मैं आज जो है अमृतसर के ट्रेन के अंदर डालने भी जाना है। तो लगभग 9 बजे ट्रेन है, 9:45 पे, तो हम लोग को कम से कम 8-8:30 बजे से तैयारी करनी पड़ेगी इन सब की। तो मैं इनका पूरा केज प्रॉपरली तैयार करके और अमृतसर के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा दूँगा। बारिश की असली वजह तो हमारी डक्स ही ले रही है। देखिए ऊपर से पानी बरस रहा है, और ये बूंदाबांदी हो रही है, और ये देखिए मस्त अपने पैरों को फैला रही हैं, कहीं इधर बैठ रही हैं, कहीं उधर बैठ रही हैं, और इन्जॉय कर रही हैं। देखिए
बहुत ही प्यारी चीज़ है, अल्लाह की बनाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, जब से मेरे पास ये आई है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। अब होपफुली कि यार ये जो है ना ब्रीड कर ले, ये जो है ना एक ये मेल है, बाकी ना ये सारी मुझे ऐसा लगता है फ़ीमेल है, ये वाली भी फ़ीमेल है, ये तो कन्फर्मली फ़ीमेल है, इसी की फ़ीमेल है। और ये भी ना मैंने क्रॉस होते हुए देखा, ये दो भी मुझे ना फ़ीमेल ही फ़ीमेल लग रही हैं, तो पता नहीं अब आगे क्या होता है, देखते हैं। अब वक्त है हमारी डक्स को जो है उनकी फीड देने का, तो हम लोग जो है ना यहाँ दे देते हैं ताकि वो यहाँ आके आराम से जो है वो खा लें, ठीक है। इनकी जो है हमने फीड दे दी है। चलो भाई चलो 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 हाँ जाओ 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 फीड खाओ तुम्हारी। हाँ ये खाई, आते कैसे देखो आप इनको, जैसे कि जन्मों जन्म के भूखे हों। तो भाई कैसा खाते हैं यार ये लोग। ये देखिए इन दोनों के बच्चे तो यहाँ पड़े हुए, और एक मैडम उधर घूम रही है, एक मैडम इधर घूम रही है। क्यों भाई ये क्या चीज़ है तुम्हारी, है ये तुम्हारे बेबीज को फीड करो ना भैया, कि मैं फीड करूँगा। हाँ कभी एक इधर घूम रही है, कभी एक उधर घूम रही है। और ये जो है अब मैं इसको कपड़े को जो है पहले इसके अंदर बिछा देता हूँ, ताकि ये लोग जो बेचारे जो है उसके अंदर लेटे हैं उसका दिक्कत, मैं जो है इनको इधर ट्रांसफ़र कर दूँगा, इनको उधर ट्रांसफ़र कर दूँगा, ताकि जो है ना इसमें से थोड़ी सी हवा इनको आती है। मैंने जो है इनको जो है इसमें शिफ्ट कर दिया है, ताकि मैडम पिला ले बैठ के अच्छे से, और अब इनको लेके हम लोग जो नीचे चलते हैं। भाई पिला लो यार उनको, सुबह से रात से भूखे हैं यार, पिला लो उनको, जल्दी जल्दी पिलाओ यार, तुम इसमें बैठती ही नहीं हो। बैठो जल्दी बैठो, चलो पिलाओ पिलाओ आराम से पिलाओ। ये ना ये बहुत ज़्यादा नाटक करती है क्या अपने बेबीज़ को फीड करने में, और इसने तो माशाल्लाह अच्छे बड़े बड़े कर दिए तीनों के तीनों, और इसके 5 भी है ना, इस वजह से शायद हो सकता है कि इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। तो आज जो है मैं इनके लिए जेली भी लेके आ जाऊँगा, और फूड भी हम लोगों ने रखा है, थोड़ा सा फूड जो है हम लोग जो है इसके लिए और डाल देते हैं, ताकि जो है इसको थोड़ी सी और एनर्जी आ जाए। लो भाई तुम फूड खा लो, तुम्हारे हो सकता है कि ये खाने के बाद फिर इन्हें फीड कर दें। तो चलिए अब इनको जो लेते हैं और नीचे चलते हैं। अब तुम लोग ना जो थोड़ा सा बाहर घूमो, ताकि थोड़ा सा जो है तुम चलना सीखोगे। जाओ जाओ जाओ। हमने जो है हमारे पेट्स को सारों को दाना तो डाल दिया है, सब लोग बढ़िया खा पी के अब जो है फिट हैं। और जो है रही बात हमारी फिंचेस, तो हमने इनको भी जो है इनका दाना तो डाल दिया है, बट यार ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो आप लोग दुआ कीजिए कि यार ये रिकवर हो जाए। और अगर आप लोग इनका ट्रीटमेंट जानते हो तो मुझे ट्रीटमेंट भी बताइए, ताकि मैं जो है इन लोगों का अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाऊँ। मैं अभी भी जो है इसके अंदर जो है विनेगर डाला है मैंने, ताकि जो है ये कुछ ना कुछ तो रिकवरी करें। मुझे जो है बर्ड्स के अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और जो है हमारी डव वगैरह है ये भी काफ़ी बेहतर अभी तक हैं, और मैंने इनको भी दाना पानी डाल दिया था, ये भी साफ़ करके डाल दिया था ताकि ये अच्छे से खा लें। तो ये है, और अभी जो है इनको नेस्टिंग भी लगानी है, बट क्या हो रहा है कि मेरे पास नेस्टिंग मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा है। अब मैं कभी जाऊंगा और जाकर नेस्टिंग मटेरियल भी लेके आऊंगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे पेट्स आप लोगों को कैसे लगे सब्सक्राइब करके और हमें कमेंट में करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपनी दुआ मुझे याद रखनी है, अपने परिंदों का ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।